Yes, good morning all of you students. I hope आप सब कुशल होंगे अपने घर पर परमपिता परमात्मा की कृपा से. आज हम एक अच्छा टॉपिक आपके सामने लेने के आए हैं, या जा प्लांट किंगडम. जी हाँ, पादप जगत. प्लांट किंगडम इज अ हिंदी मीन्स पादप जगत. जी हाँ, आज डिस्कशंस करेंगे पादप जगत पर. बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप इन द एसएससी एग्जाम्स में, इन द एनटीपीसी, एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकेंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज द प्लांट किंगडम. आई टेल यू अबाउट द प्लांट किंगडम. सबसे पहली बात पादप जगत. पादप जगत की सबसे बेस्ट जो कंसल्टिंग जो बात हुई वो ही क्लासिफिकेशन से लेकर. तो क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जामिनर इन द कॉम्पिटेटिव परीक्षा के अंदर पुट ऑफ करता है. तो इन पर आइए आप, हम आपसे डिस्कशंस करते हैं. लेट्स प्ले स्टूडेंट. सबसे पहली बात, वो फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता मिस्टर थियोफ्रेस्टस. आप बोलोगे सर इज अ नॉर्मल बात है, हम किताब से भी पढ़ सकते थे, लेकिन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, मिस्टर थियोफ्रास्टस ने पादपों के बारे में, उनकी शाखाओं के बारे में, तने के बारे में, इनके बारे में अध्ययन कर सर्वप्रथम हमें परिचय कराया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का पिता भी कहते हैं. पिता. दूसरी बात यह आती है कि कैरोलस लीनियस, मिस्टर कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण समझाया. और इन्होंने इस वर्गीकरण को अपनी एक किताब जिसके अंदर समझाया, उस किताब का नाम तो हमारे पास है, कौन सी किताब में मिस्टर कैरोलस लीनियस ने इस वर्गीकरण को समझाया, वो उसका किताब का नाम क्या था, तो मैं आपको बता दूं, सन 1737. स्टूडेंट्स, नाम याद रखने का या सन याद रखने का बात है. 1737. कितना? 1737. सन पूछे तो 1737. और क्या चीज थी, किताब का क्या नाम था, वर्गीकरण समझाया, कौन सी बुक थी, बुक का नाम पूछ सकता है एग्जामिनर इन द कॉम्पिटेटिव परीक्षा, कौन सी किताब में क्लासिफिकेशन को समझाया, तो जेनेरा प्लांट्रम. क्या नाम था? जेनेरा प्लांट्रम. जी हाँ, कौन सी किताब में क्लासिफिकेशन को कैरोलस लीनियस ने समझाया और कब समझाया? 1737 में जेनेरा प्लांट्रम में समझाया. आई होप यू आर अंडरस्टैंड इज वेरी वेल. नेक्स्ट कंसेप्टेशंस पर हम बात करते हैं. मिस्टर कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन करते समय टू पार्ट्स रखे. सबसे पहला था पुष्पोद्भिद, सेकंड था अपुष्पोद्भिद, यानी ऐसे प्लांट जिनके अंदर पुष्प होते हैं, फ्लोवर होते हैं, यानी कि जिनके अंदर पुष्प होते हैं, उन्हें उन्होंने रखा पुष्पोद्भिद पादपों में. माय डियर स्टूडेंट्स, आई टेल यू अबाउट कि पुष्पोद्भिद पादप यानी कि पुष्प पादप में एक महत्वपूर्ण अंग है. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पादपों का जनन अंग यानी रिप्रोडक्शन पार्ट इज फ्लावर. पादपों का रिप्रोडक्शन पार्ट इज फ्लावर, पादपों का जनन अंग है. और जो पादप पुष्पोद्भिद है यानी कि जो पुष्प जिनके अंदर आता है, उन्हें पुष्पोद्भिद में रखा गया, और पुष्पोद्भिद में 23 प्रकार की प्रजाति रखी गई. मिस्टर कैरोलस लीनियस सिर्फ एक प्रजाति को, उन्होंने 24वीं प्रजाति को अपुष्पोद्भिद पादपों में रखा, यानी कि अपुष्पोद्भिद पादपों में 24वें नंबर की प्रजाति को रखा गया. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात पर ध्यान रखना है, कौन सी को, 24वीं प्रजाति को रखा गया. देखिए 24 कंसेप्टेशंस पर रखा गया. दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वर्गीकरण की कुछ पद्धतियां डेवलप की गई, और वर्गीकरण की पद्धतियां डेवलप की गई, और अब हम बात करते हैं
हमारे एक अगले वैज्ञानिक जिन्हें वर्गीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और इन्होंने वर्गीकरण को किस रूप से लिया। मिस्टर आइकलर हमारे सामने आए, मिस्टर आइकलर, जी हाँ मिस्टर आइकलर आए सन 1883 में। 1883 में ने क्रिप्टोगेमिया और गेमिया दो के डिवाइडेशन हमें समझाए। यस माय डियर फ्रेंड, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया इस तरह के क्लासिफिकेशन हमें समझाए मिस्टर 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 आइकलर ने। I tell you about it, students. क्रिप्टोगेमिया में सबसे पहला डिवाइड रखा गया थैलोफाइटा, फिर रखा गया ब्रायटोफाइटा और फिर रखा गया टेरिडोफाइटा। मैं आपको तीनों के बारे में जानकारी दे देना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में ऐसे पुष्प रखे गए जिनकी आकृति थैलेनुमा थी। इन पादपों में जड़ तना पत्ती फूल पुष्प का विभेदन नहीं होता। दूसरी बात, थैलोफाइटा में पुष्प आते ही नहीं है, पादप उभयचर वर्ग समूह है। दैट इज योर क्वेश्चंस। ब्रायोफाइटा पादप उभयचर है, लगभग 1,25,000 ऑन द अर्थ प्रोवाइडेशंस हैं, कुछ प्रजातियां समुद्र में और कुछ ऑन द अर्थ। तो ब्रायोफाइटा एक ऐसा वर्ग समूह है इन प्लांट किंगडम में जो दोनों जगह रह सकता है, जल और थल, यानी जल और थल दोनों जगह पाया जाने वाला कौन सा पादप है, कौन सा समूह है, ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीसरे प्रकार का पादप आ जाता है जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल होता है। फेनेरोगेमिया दूसरा वर्ग आइकलर ने रखा, फेनेरोगेमिया जिसमें दो तरह के पादप के रखा गया, जिम्नोस्पर्म, दूसरा रखा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, आवृत बीजी अनावृत बीजी, इस तरह का डिवाइड है। यानी कि जिम्नोस्पर्म ये बीज के आधार पर वर्गीकृत किए गए। इसी प्रकार माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं क्लासिफिकेशन की एक पद्धति आई, कृत्रिम पद्धति आई। कृत्रिम पद्धति का वर्गीकरण कैरोलस नीलियस, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक गुणवर्ग के आधार पर बांटा गया। फिर उनका नामकरण किया गया बॉटनिकल नाम, जातिवत नाम, जैसे मैं आपसे कहता हूं फलाना सिंह ये, आपके सरनेम को आपने जातिवत बात को आपने रख दिया, आप फलाने जाति के व्यक्ति हो, आप अपने आप को डिवाइड करे हुए हो जाति के आधार पर। उसी प्रकार क्लासिफिकेशन धर्म के आधार पर, उसी प्रकार माय डियर फ्रेंड्स यहां भी आपने क्लासिफिकेशन को महत्व दे दिया है कि जाति, जाति सूचक। जैसे हम बात करते हैं कुछ बॉटनिकल नेम्स की, हमसे कई बार पूछा गया फलों का राजा मेजीफेरा इंडिका, तो इंडिका उसकी जाति है, इंडिका उसकी क्या है, जाति है। जैसे मेजीफेरा इंडिका, अब ये पादप किसका पादप है, आम का, यूकेलिप्टस किसका पादप, सफेदा का पादप है। इस तरह से डिवाइडेशंस किया गया, फिर जातीय बात। तो इस प्रकार वर्गीकरण की कंसेप्ट से सर हमसे क्वेश्चंस कैसे पुट अप होंगे, तो मैं लास्ट लाइन पर आपसे ये कंसेप्टेशंस भी दिखा देता हूं। देखिए, क्लासिफिकेशन यानी प्लांट किंगडम के अंतर्गत, पादप जगत के अंतर्गत सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस व्हाट ने, तो मिस्टर थियोफ्रेस्टस। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आई टेल द कि वनस्पति विज्ञान के पिता मिस्टर थियोफ्रेस्टस थे, लेकिन हुज द क्लासिफिकेशन ऑफ फादर, वर्गीकरण के पिता थे मिस्टर कैरोलस लीनियस। 1737 में मिस्टर कैरोलस लीनियस ने जेनेरा प्लांटरम
जेनेरा प्लांट्रम, जेनेरा प्लांट्रम में पादप के क्लासिफिकेशन को बेहतरीन रूप से समझाया था। किसने समझाया था? सॉरी हाँ, जेनेरा प्लांट्रम में समझाया था किसने? समझाया था मिस्टर कैरोलस लिनियस ने। कौन सी बुक थी? कौन सी बुक थी? बुक का नाम पूछा जा सकता है। कौन सी बुक थी? जेनेरा प्लांट्रम। कब? सन 1737 में। कब समझाया था? 1737 में। दूसरा, वर्गीकरण पद्धति। वर्गीकरण पद्धतियां कौन कौन सी हैं? कृत्रिम, प्राकृतिक, राइट, जाति वृत्तीय पद्धतियां। क्वेश्चन की हुज द पर्सन, सन 1883, मिस्टर आइकलर, क्रिप्टोगेमिया, फेनोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में रखा गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। शैवाल किस वर समूह का पादप है? सर थैलोफाइटा का। ऐसे पादप जल थल पर रह सकते हैं, कौन से पे है? ब्रायोफाइटा पे। फाइटा में आ जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में आते हैं, फेनोगेमिया में आते हैं। आवृत बीजी, अनावृत बीजी, ऐसे पादप जिनके बीज पर ऊपर आवरण पाया जाता है, जिन पर आवरण नहीं पाया जाता, यानी बीज के आधार पर बांटा गया, फूल के आधार पर बांटा गया, आकृति के आधार पर बांटा गया। और इस क्लासिफिकेशन को ही क्वेश्चनों का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखा जाता है। ये माय डियर फ्रेंड्स, प्लांट किंगडम का अगली कक्षा के लिए और अगली वीडियो के लिए, आपको अगली वीडियो का इंतजार करें। जब तक इसको जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। डेफिनेटली उंगलियों पर आप प्लांट किंगडम के टॉपिक को लेके जाओगे। दूसरी बात, मानो या ना मानो, आज की कॉम्पिटिटिव परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पुट अप। बीत गए जमाने, बीत गए जमाने, रक्त एक तरल से योजी उतारे, बीत गए जमाने। पढ़ा सभी होता है हमें लोगों को, लेकिन ये जमाना बीत गया, थोड़ा अपडेट्स की बात है। अध्याय पर जब तक के लिए मैं आपसे यही कहूंगा, बने रहिए और नई नई नॉलेज को अपने अंदर इस लॉकडाउन के अंतर्गत अपडेट कर लीजिए, ताकि आपकी कॉम्पिटेटिव परीक्षा आपसे दूर ना रहे। क्योंकि पहले नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, अब क्वेश्चनों का थोड़ा स्टैंडर्ड आने लग गया है। आज एक क्वेश्चन उस लेवल का पूछा जाता है कि बच्चा गलती करवा, एग्जामिनर गलती करवा लेता है। माय डियर फ्रेंड, कीप इट अप, बने रहो। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।